मेरा नाम अंजू शर्मा है। मेरा नाम नेहा कुमारी है। मेरा नाम गुलशन कुमार, पीरागढ़ी कैंप में रहता हूँ। मोहल्ला क्लिनिक देखो, हमारे पहले पीरागढ़ी में डिस्पेंसरी नहीं थी। जब से अरविंद केजरीवाल जी आए हैं, मोहल्ला क्लिनिक हमारे खोले हैं पीरागढ़ी कैंप में। दवाई की फैसिलिटी है। पहले हम लोग बाहर रोड पर लेने जाते थे दवाई, रिक्शा करते थे, एक्सीडेंट वगैरह भी हो जाते थे। अब हमें जो है फैसिलिटी कैंप में मिली हुई है। पहले तो कुछ भी नहीं था यहाँ पर। पहले तो कोई वोट लेके चले जाते थे, कोई आता ही नहीं था ये देखने के मरे हैं कि जिंदे हैं। माँ बाप भी जितना काम करता है उतना जैन साहब ने काम किया, कई बार सरकार ने काम किया है। नालियाँ की, सड़कों की, हर चीज उन्होंने बहुत साथ दिया हमारा। हम भी उनके नाल है, साथ है बिल्कुल। जब भी वोट खड़े होंगे, हमारी वोट छह वोट है, छह वोट होंगी। जब से ये मोहल्ला क्लिनिक बना है तब से हमें इसमें बहुत फायदे हुए हैं, हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती। डॉक्टर तो बहुत अच्छे हैं, अलका मैडम है, उनकी टीम है सारी, बहुत अच्छे हैं। उनके कामों का मुकाबला का तो कोई कर नहीं सकता जी। महावीर हॉस्पिटल में गया, सबसे अच्छी दवाई मिलती है, कोई किसी की दिक्कत नहीं है। अब तो उसको बहुत बड़ा हॉस्पिटल बना रहे हैं। मैं एक्चुअली कांग्रेस कमेटी से बिलोंग करता हूँ, पर जो आप पार्टी का मैंने जो काम देखे हैं ड्यूरिंग 5-6 साल के अंदर, वो सब पार्टियों से अच्छे हैं। बहुत फर्क है जी, बहुत फर्क है। स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन और केजरीवाल जी ने ही हमारे मोहल्ला क्लिनिक बनवाए हैं। दवाइयाँ की फैसिलिटी है, नहीं तो हमें कोई फैसिलिटी नहीं थी। हम लोग इस साल ये सोचा है हमारे मोहल्ले वालों ने कि हम सब लोग आप पार्टी को वोट देंगे, क्योंकि उनके काम बहुत अच्छे हैं। गरीबों को मसीहा है जी। चल बेटा सेल्फी ले ले रे। मुझे ढूंढ रहे हो ना, ये है मेरी मम्मी। चलो मैं आपको अपने स्कूल ले चलती हूँ। ये है मेरा स्कूल। पहले इतना सुंदर नहीं दिखता था ना। आपको पता है इस नए बिल्डिंग के पीछे स्विमिंग पूल भी है। ये स्विमिंग पूल हमारे स्कूल में ही है। हमारे स्कूल में स्विमिंग पूल। अच्छा मैं आपको अपना नया क्लासरूम दिखाऊं। देखा, ये सारे नए बेंचेस। अब हम सब खुल के बैठने हैं। अब हमारे हर क्लासरूम में है नया ग्रीन बोर्ड। आइए अब मैं आपको हमारी नई लैब्स दिखाता हूँ। आप खुद ही देखिए, अब हमारे नए लैब में कोई कमी नहीं है। हमारे स्कूल में सीसीटीवी कैमरा भी लगा हुआ है। क्या देख रहे हो, हमारा स्कूल इतना साफ कैसे? अब हमारा स्कूल बहुत साफ रहता है। हमारे स्कूल के आने से पहले ही हमारे स्कूल की पूरी साफ सफाई हो जाती है, वो भी हमारे स्टेट मैनेजर सर की वजह से। नमस्ते, दिल्ली सरकार ने हमें जिम्मेदारी दी है स्कूल को साफ और मेंटेन रखने की। मंत्री जी खुद सरप्राइज विजिट करते हैं ये देखने के लिए कि हम ठीक से काम कर रहे हैं कि नहीं। हम बहुत खुश हैं क्योंकि सैलरी हमारी डबल हो गई है और टाइम पर भी मिलती है। मैं तो बहुत खुश हूँ, आखिर ये जो भी हो रहा है वो हमारे लिए तो हो रहा है।
हमारे मिनिस्टर कहते हैं कि टीचर क्लास का बॉस होता है और ये है हमारी बॉस। टीचर टीचर आप भी कुछ बोलिए ना, इनके पास ज्यादा टाइम नहीं है। मुझे तो दिल्ली सरकार को थैंक यू बोलना है शिक्षा का बजट दोगुना करने के लिए। इससे दिल्ली के सरकारी स्कूलों में बेहतरीन बदलाव हो पा रहे हैं। और मुझे थैंक्स करना है समर कैंप के लिए, मुझे उसमें बहुत मजा आया। क्या आप उसे हर साल कराएंगे प्लीज? आपको पता है हमारे विद्यालय में एजुकेशन मिनिस्टर ने सरप्राइज विजिट की थी। अब हमारे स्कूल में सब्जेक्ट्स को बहुत ही प्रैक्टिकली और इनोवेटिवली कराया जाता है, जिससे लर्निंग बहुत ही इनहेंस हुई है, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। हमारे विद्यालय में पढ़ाई के साथ साथ को करिकुलर एक्टिविटीज़ भी होती हैं, जैसे स्पोर्ट्स, सिंगिंग, डांसिंग। अरे कहाँ थे आप? चलिए मैं आपको अपनी मम्मी से मिलवाती हूँ। आप मेरी बेटी का स्कूल देखने आए हैं, कैसा लगा? सुंदर है ना, दिल्ली के स्कूल बहुत बदल गए हैं। मेगा पीटीएम के लिए दिल्ली सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छी पहल थी, पेरेंट्स और टीचर को मिलने का आपस में मौका मिला। हेलो, कहाँ आप बच्चों से बात कर रहे हो? इधर आइए, मैं आपको स्पोर्ट्स के बारे में बताता हूँ। दिल्ली सरकार ने पहले से स्पोर्ट्स का बजट डबल कर दिया है। और अगर जीते तो प्राइज मनी भी डबल होगी। ये है लंदन, इंग्लैंड की राजधानी। यहां 24 घंटे बिजली आती है। ये है वॉशिंगटन, अमेरिका की राजधानी। यहां 24 घंटे बिजली आती है। ये टोक्यो है, जापान की राजधानी। यहां भी 24 घंटे बिजली आती है। और ये दिल्ली है, भारत की राजधानी। अब यहां भी 24 घंटे बिजली आती है। अब हमारी दिल्ली बनी रोशनी की राजधानी। 24 घंटे बिजली, सबसे सस्ती बिजली। पानी झूठ नहीं बोलता, उसकी सच्चाई हर बूंद में दिखती है। शकूर बस्ती विधानसभा के ऋषिनगर इलाके में पहले पानी की कमी थी, सप्लाई आधी अधूरी थी और पानी के बिल आसमान छू रहे थे। आज नल नल में साफ पानी है, इसका प्रमाण यहाँ रहते आम लोगों की खुशी है। मेरे इधर तो पानी के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरा तो साफ आ रहा है, क्योंकि मेरा वो भी नहीं, एक्वा गार्ड भी नहीं लगा हुआ। तो मेरा पानी, मैं जो नलके का पानी आता है वही पीती हूँ मैं, बिल्कुल नीट एंड क्लीन पानी है। कभी मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई इस पानी से, साफ सुथरा पानी आ रहा है मेरे यहाँ पे। तो यहाँ कोई समस्या नहीं है, एकदम पानी बिल्कुल ठीक आ रहा है, शुद्ध आ रहा है, पीने लायक आ रहा है और 24 घंटे आ रहा है सर। पानी का बिल बिल्कुल नहीं आ रहा है सर, जीरो आ रहा है। हर आदमी सुखी है, प्रसन्न है। नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, पानी बिल्कुल साफ आ रहा है और कोई बिल भी नहीं आ रहा है। मेरे पास पानी टेस्ट करने का मीटर है, पानी का टेस्ट करके दिखा सकते हैं। इसके अंदर में TDS, कितने TDS का पानी आ रहा है, कितना वो आ रहा है, उसके अंदर में दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है, पानी 24 घंटे आता है, साफ पानी आ रहा है, हमें यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है पानी की। वी आर वेरी मच सैटिस्फाइड विद द वर्क बीइंग डन बाय आप एंड योर पार्टनर्स। यस, थैंक यू फॉर दैट। पानी बहुत अच्छा आ रहा है, बहुत साफ आ रहा है, बहुत सुथरा आ रहा है। पहले सरकारों में ऐसा पानी नहीं आया करता था। आज की सरकार आम आदमी पार्टी की सरकार है, बहुत अच्छी सरकार है। आरओ लगाने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, किसी किस्म का आरओ मत लगाएं। इसमें बहुत मिनरल है पानी में, आप पानी टेस्ट करके देखिए कृपया। आम आदमी पार्टी ने बहुत सुविधा दी है, इसमें सारे मिनरल इसमें आ चुके हैं, आपको आरओ लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इतना क्लीन पानी है, इतना क्लीन पानी है, आज तक किसी भी सरकार ने आपको दिया होगा, चाहे वो BJP की रही हो, चाहे कांग्रेस की रही हो, चाहे किसी की भी रही हो। देखिए, पानी की क्वालिटी हमने 3-4 गवर्नमेंटें पहले भी देखी हैं, BJP की, कांग्रेस की। उस टाइम के अंदर हमें RO लगाने की जरूरत होती थी और पानी की क्वालिटी बहुत ख़राब होती थी। आज 100 TDS का पानी इधर मिलता है, जो कि क्वालिटी वर्ल्ड वाइड के हिसाब से बहुत बढ़िया है। शुक्रिया उनका, जो बिल माफ़ कर दिया है उन्होंने, ठीक है। हमारा बिल भी बहुत ज़्यादा हो चुका था, खैर माफ़ हो चुका है काफ़ी हद तक, मसलन। और इसके लिए थैंक यू। इससे अच्छी सरकार तो हो ही नहीं सकती सर। इस सरकार के होते हुए तो सब कुछ परफेक्ट है, और यही वाली सरकार दोबारा चाहिए हमें, बिल्कुल चाहिए हमें, 100% चाहिए।
शकुर बस्ती रेलवे स्टेशन पर लदी हुई मालगाड़ियों से ट्रकों लॉरियों तक सीमेंट का भार ढोते हैं सैकड़ों मजदूर। जिंदगी की खोज इन्हें दिल्ली के सरहदी इलाकों और बिहार और झारखंड जैसे राज्यों से खींच लाई है। अपने परिवार सहित झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले यह मजदूर रोजमर्रा की उन्हीं मुसीबतों से जूझते हैं, पानी, अस्पताल, स्कूल और स्वच्छता। आम आदमी पार्टी की सरकार आने के बाद इन्हें सही मायने में दिल्ली ने अपनाया है। पर केजरीवाल सरकार ने जो सुविधा दी है आज तक और किसी ने नहीं दी है। यहाँ पर 7 या 6 टॉयलेट हैं, यहाँ पर इतनी सफाई होती है। जितना काम हमारे आम आदमी पार्टी ने और सत्येंद्र जैन जी ने करवाया है, मैंने तो अपने लाइफ में इतना काम देखा नहीं है। मैं झुग्गियों में काफी टाइम से रह रहा हूँ यहाँ पर। आज मेरी जब यहाँ पे झुग्गी टूटी थी तो हमारे 12-1 बजे के बीच में हमारे केजरीवाल साहब आए थे और यहाँ पे राहुल गांधी भी आए थे, मगर राहुल गांधी जो आए तो कुछ भी हम लोग को सुविधा नहीं दिया। केजरीवाल आ करके जब केजरीवाल पहले आए उसके बाद यहाँ पे मीडिया आना चालू हो गया। हमारे को यहाँ पे 1 महीना तक उसने यहाँ पे लंगर बांटा, खाना खिलाया, चाय पिलाया। पहले तमाम लाइट की दिक्कत होती थी, पानी की दिक्कत होती थी, शौचालय की दिक्कत थी, नाली की दिक्कत थी, अब तो सुविधाएं तो सारी। पहले जब हॉस्पिटल हम लोग जाते थे तो इनको भरपूर दवाई भी नहीं मिल पाती थी। आज जो भी बच्चा कोई बीमार होता है इसको पूरी दवाइयाँ मिलती हैं और ज़्यादा दूर सारे टेस्ट जो है फ्री हो जाते हैं। हमारे यहाँ मजदूर के किसी पास घर नहीं है तो रैन बसेरा भी है, सारा चीज़ का यहाँ सुविधा दे रखी है केजरीवाल साहब। बहुत सारी पार्टी आया, उसके बाद झुग्गी कितना बार तोड़ा गया, कितना बार बनाया गया, लेकिन ये केजरीवाल के सरकार में जब से आया उसके बाद अभी तक झुग्गी नहीं टूटा। जो भी सुविधा दिया है हमारे केजरीवाल दिया है, इसके अलावा जो भी पार्टी यहाँ आया है सब लूट के गया है। और हम लोगों तो वोट उसी को देंगे केजरीवाल, और किसी को नहीं। आम आदमी पार्टी आपके साथ। दिल्ली के ऊर्जा मंत्री सत्येंद्र जैन जी की शकुर बस्ती विधानसभा में आम लोग अपने कम होते हुए बिजली बिलों से काफी खुश हैं। यह देखकर पश्चिम विहार के वॉलंटियर्स ने एक अनोखी मुहिम चलाई है। वो जिन घरों के बिजली बिल जीरो आए हैं उनके सामने मेरा बिल जीरो वाले स्टिकर लगा रहे हैं। भाजपा के क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं को इस बात से काफी नाराजगी है, लेकिन जनता में तो सिर्फ खुशी ही खुशी है। हम बड़े खुश हैं कि हमारा बिल बहुत कम आया है और ये स्टिकर वो लगा नहीं रहे थे, हमने लगवाया है खुद और मेरे फादर लॉ ने साइन किए। जब से ये सरकार आई है मेरा जीरो ही आ रहा है, लेकिन बिजली का भी अब की बार मेरा जीरो आया। हमारे को जो सरकार कुछ करेगी हमारे लिए हिफाजत करेगी तो हम उसी का ही तो करेंगे। मेरा असली में बिल जीरो आया है, मेरा बिल काफी आता था जबकि मेरी कंज्यूमर इतनी नहीं है। हाँ, हमने अपनी मर्जी से लगवाया कि भाई हमारा बिल कम आया तो अच्छा लगा हमको, इसलिए हमने लगवाया। बिजली के बिल जो है वो मेरे ख्याल से 60% या 50% 40% लोगों के जीरो आए हैं, उसी के उसमें इन्होंने बिल ये लगाया है। यहाँ पर ये मैंने अपने आप खुद लगवाया है, मेरा बिल जीरो आया हुआ इस बार। हमारा जीरो बिल आता, पानी बिल नहीं आता। केजरीवाल साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, किसी 75 साल में किसी गवर्नमेंट ने ऐसा काम नहीं किया जैसा केजरीवाल साहब कर रहे हैं। सबको खुशी है कि मतलब इस बार बिल जीरो आया है, तो इसलिए इन्होंने सबने ना अपनी मर्जी से कह के लगवा के, और खुशी है कि इस बार केजरीवाल ने बहुत काम करवाया यहाँ पे। दिल्ली सरकार ने बाइक एम्बुलेंस स्टार्ट की है, जो संकरी गलियां हैं, बहुत छोटी गलियां जहां पर एम्बुलेंस नहीं पहुंच पाती है और खासतौर से जहां भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं उसमें फर्स्ट रेस्पॉन्डर की तरह से हमारी बाइक के ऊपर पैरामेडिक्स जाकर इमीडिएटली उनको अटेंशन देने के लिए पहुंचते हैं। इसी साल हमने फरवरी में बाइक एम्बुलेंस स्टार्ट की है, अभी ईस्ट दिल्ली में इसको चलाया जा रहा है। पूर्वी दिल्ली के अंदर 16 बाइक एम्बुलेंस चल रही हैं और अब तक 650 से ज़्यादा लोगों का हेल्प करने के लिए जा चुकी है। ये FRV व्हीकल है, फर्स्ट रेस्पॉन्डर व्हीकल। इसके अंदर जहाँ हमारी बड़ी गाड़ियाँ नहीं पहुँच पाती तो ये गाड़ी आसानी से वहाँ पे पिकअप करती है पेशेंट को। कोई डायबिटीज़ का पेशेंट है उसका हम मौके पर ही डायबिटीज़ देख सकते हैं कितना इसका है, ऑक्सीजन सिलेंडर इसमें लगा हुआ है, ऑक्सीजन दे सकते हैं मौके पर ही। इसके साथ में इसका BP चेक कर सकते हैं, BP एपरेटस इसके अंदर है और काफ़ी इक्विपमेंट्स में जैसे एयर स्प्लिंट इसके अंदर है, अगर किसी को फ्रैक्चर हो जाता है तो उसमें एयर स्प्लिंट का वो इस्तेमाल करके हम उसके फ्रैक्चर को इमोबिलाइज करते हैं। कोशिश यही होती है जल्दी से जल्दी साइट पर पहुंचा जाए और पेशेंट की मदद की जाए, लेकिन ट्रैफिक का आप सभी जानते हैं दिल्ली कंडीशन कैसी है। हम कोशिश करते हैं 8 से 10 मिनट के अंदर पेशेंट को हेल्प मिल जाए।
इसके लिए सिंपल प्रोसीजर है, जो 102 के पर आप फ़ोन करते हैं उसी पर फ़ोन कीजिएगा। नॉर्मल एम्बुलेंस के साथ साथ जल्दी से पहुंचने के लिए एक बाइक एम्बुलेंस भी साथ में भेजी जाती है संकरी जगह पर जाने के लिए। और कई लोगों को कन्फ्यूजन है कि भाई 102 के ऊपर हम फ़ोन करेंगे तो एम्बुलेंस बुलाने के लिए पैसा देना होगा, बिल्कुल नहीं। दिल्ली के अंदर एम्बुलेंस की कोई कॉस्ट नहीं है, सभी के लिए बिल्कुल फ्री है। और कभी भी कोई भी इमरजेंसी है आप बुला सकते हैं, जिसको भी मन करे तो एम्बुलेंस की सुविधा हर तरह से फ्री है। दिल्ली को दुनिया का रेप कैपिटल बताया जाता है। यहाँ महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण का मुद्दा तो कई लोग उठाते हैं, पर कोई ठोस कदम नहीं लिया जाता। दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने ये ठाना है कि महिलाओं के खिलाफ अपराध रोकने के लिए सबसे पहले अपराधियों के मन में डर पैदा करना होगा। इसीलिए आज गली गली में CCTV कैमरा लग रहे हैं। महिलाओं को घर से बेखौफ निकलने की आज़ादी मिले, इसीलिए सरकार कैमरों के साथ साथ स्ट्रीट लाइट अभियान भी चला रही है। अब अंधेरे और डर का अंत होगा। महिला सुरक्षा लेके तो केजरीवाल जी ने बहुत अच्छा स्टेप उठाए कि हर बस के अंदर एक पुलिस वाले रखते हैं। कोई एक जैसे बस में चढ़ो तो कोई लड़का पीछे से छेड़ता है, आगे से छेड़ता है, वो नहीं करने का हिम्मत रहा। अब मतलब लोगों के अंदर, लड़कों के अंदर ये डर बैठ गया जे नहीं हम कुछ करेंगे तो अभी पकड़े जाएंगे, पुलिस वाले हैं। बहुत अच्छा सुरक्षा दिया उन्होंने। जैसे अभी रिसेंटली एक केस हुआ हैदराबाद वाला, तो उसका वो बहुत ही दुखद था, तो हम सब महिलाएं हिल गई थी अंदर से। पर अभी क्या है, जैसे हमारे दिल्ली की बात करते हैं, मैं दिल्ली से बिलोंग करती हूँ, तो हमारी केजरीवाल सरकार ने हमें पहले से ही सुरक्षित कर रखा है। जैसे CCTV कैमरे लगे हुए हैं, और उससे क्या है, पहले रात हो या दिन हो थोड़ा डर लगता था, लड़ाई झगड़े भी होते थे, तो पता चल जाता है एक्चुअल कंडीशन क्या है। और लाइट्स की बात करें तो जहाँ पर डार्क स्पॉट था वहाँ सब जगह लाइट्स हो गई हैं, तो रात को निकलने में डर नहीं लगता बिल्कुल भी। बस की बात करो तो बसेस में भी मार्शल भी हैं और फ्री सेवा दे रखी है। जिस तरीके से दिल्ली सरकार ने दिल्ली में काम किए हुए हैं, अगर और स्टेट भी और सरकार भी इस तरीके से काम करे तो सारी महिला सुरक्षित हो जाएगी। महिला सुरक्षा के लिए बहुत कुछ अच्छा करा है, कैमरे भी लग गए हैं, लाइटें भी लगा दी है, अब इधर ऐसे कोई डर नहीं है, हर चीज़ की सुविधा हो गई है। अंदर गार्ड वो बैठे होते हैं, टिकट भी नहीं लगती है, जब से बस चालू हुई है हम बस में ही जाते हैं। जाते हुए जो उन्होंने लाइटें लगवाई है डार्क एरिया में, वो बहुत अच्छा हुआ है। उससे क्या है कि हम रात को भी कहीं जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चेन वगैरह छीन लेते थे लोग, उसके लिए फैसिलिटी हुई है लाइटों से। और सेकेंड बोलना चाहूँगी कैमरे से ये है कि आप कहाँ भी कहीं भी कोई भी व्यक्ति आ रहा है, अननोन पर्सन आ रहा है, कहाँ से निकल रहा है, कौन निकल रहा है, वो सब आप मॉनिटर कर सकते हैं। तीसरा मैं बोलना चाहूँगी बसेस के लिए, बसें जो फ्री हो चुकी है, फ्री होने की वजह से ये है कि हर कोई ट्रैवल कर रहा है, उससे क्या है ज़्यादा लेडीज़ बस में आ रही है। आप अकेला फील नहीं कर रहे, अलोन फील नहीं कर रहे कि भाई रात का समय है तो मैं अकेले कैसे चढ़ूँ बस में, सारे जेंट्स हैं। फ्री होने की वजह से काफ़ी लेडीज़ आ रही है, ये भी है, ऊपर से उसमें मार्शल भी बैठे हुए हैं, जो कि अगर हमें कोई प्रॉब्लम होती है बस में, कई बार होता है धक्का लग रहा है, कुछ प्रॉब्लम है, कुछ लोग कमेंट्स कर रहे हैं, उसके लिए भी हमें फैसिलिटी मिल रही है। जैसे अब हमारे बच्चे भी सुरक्षित है, सबसे बड़ी बात है कि बच्चे सुरक्षित है हमारे यहाँ पे। और पहले लड़कियां हम नीचे भेजने में दिक्कत होती थी, अब पता है कि कैमरे लगे हुए हैं हर जगह पे और हमारा कुछ भी दिक्कत है तो हम देख सकते हैं। दिल्ली में महिला सुरक्षा के लिए हम तो इस टाइम बहुत ज़्यादा सेफ हैं। जो हमें रात के टाइम थोड़ा अंधेरा होता था, निकलने में डर लगता था, हर जगह लाइट्स लग गई हैं, कैमरे लग गए हैं, इससे बड़ी सेफ्टी हमारे लिए और क्या होगी। कहीं एक छोटा सा सामान लेने भी निकलना होता था, पीछे गलियों में जाना होता था, डर लगता था। इवन मान लो हमारा कोई रिलेटिव है, उसके घर भी मिलने जाना है, गलियों में अंधेरा देख के अब जाने में भी डर लगता था। आज हमारे पूरे A4 में चारों तरफ कैमरे लग गए हैं, लाइट्स लग गई हैं, उससे हमें निकलने में बिल्कुल कहीं भी डर नहीं लगता। शकूर बस्ती विधानसभा में 180 से ज़्यादा हाउसिंग सोसाइटी में सुरक्षा के इंतज़ाम बढ़ाने के लिए बूम बैरियर्स लगवाए गए हैं। मंत्री सत्येंद्र जैन जी कई महीनों से बूम बैरियर्स का उद्घाटन कर रहे हैं। इन बूम बैरियर्स को MLA लैड फंड से लगवाया जा रहा है। ये बूम बैरियर्स अत्याधुनिक इटालियन टेक्नोलॉजी से बने हैं।
और इनमें लगे सेंसर्स सोसाइटी की गाड़ियों को पहचान लेते हैं। इससे लोगों के घरों की सुरक्षा बढ़ रही है। इसी के साथ साथ सीसीटीवी कैमरा और स्ट्रीट लाइट भी जगह जगह लगाए गए हैं, जो अपराध पर कड़ी नजर रखे हुए हैं। होम बैरियर का सबसे बड़ा बेनिफिट यही हो रहा है, एक तो यहाँ गार्ड्स को भी बड़ी सहूलियत मिली है इससे, और दूसरा ये है कि जो बूम बैरियर में जो गाड़ी आती है वो रुक के आती है, कोई भी चीज़ आती है उनका फिर एड्रेस वगैरह नाम वगैरह हम नोट कर सकते हैं और उससे चोरी की गुंजाइश कम हो जाती है। बूम बैरियर से हमें मेन जो है दो फायदे तो नज़र आ रहे हैं, एक तो जो गाड़ी स्पीड से आती थी वो गाड़ी अब जो है रुक के जाती है, जब भी बाहर जाती है तब भी और अंदर आती है तब भी। दूसरा ये कि कुछ टाइम से सोसाइटी में चोरियाँ हो रही थी, ज़्यादातर बच्चों की साइकिलें, और वो दरवाज़ा खुला रहने के कारण वो स्पीड से निकल जाते थे, लेकिन अब बूम बैरियर से ये बेनिफिट है कि वो निकल नहीं पाएंगे। पहले यहाँ पे काफ़ी प्रॉब्लम रहती थी कि कोई भी अनऑथराइज एंट्री कर सकता था, ठीक है, अब यहाँ पे बूम बैरियर लगा हुआ है तो इससे अनऑथराइज एंट्री जो है वो रुकेगी, तो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से इट इज़ बेटर, ज़्यादा अच्छा है ये। बैरियर लगा है फर्स्ट टाइम तो गार्ड्स को सेफ्टी के लिए ज़्यादा सुविधा हो गई है। सिक्योरिटी पर्पज हमारा बहुत सॉल्व हुआ है इससे, सारा गाड़ियाँ सिक्योर्ड हैं, सारी आने जाने वाली सभी सिक्योर्ड हैं। अरे इससे तो बहुत फ़ायदा हुआ है, इससे जो है चोरियाँ होती थी पहले, वो चोरियाँ होने बंद हो गई, साइकिलें ले जाते थे ये वो, कपड़े की चोरी हो जाती, गाड़ी स्पीड में भगा के ले जाते थे वो रुक गई, उससे दुर्घटना भी हो सकती थी, तो ये सारी चीज़ों का हमें बहुत अच्छा फ़ायदा हुआ। तो ये एंट्री वगैरह हम लोग नहीं कर पाते थे, भाग जाते थे, वो एंट्री हम बड़े आराम से कर लेते हैं। जो गाड़ियाँ जल्दी तेज़ी से अंदर आ जाती हैं, गार्ड समझ नहीं पाता कौन है, कोई नया आदमी आ गया, इससे चेकिंग होगी, तो ये बैरियर लगना बहुत अच्छी व्यवस्था है। बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुई है, क्योंकि जो साइकिल चोरियाँ होती थी, हम जो गेट इसको बैरियर बंद रखते हैं और हमारे लिए सेफ्टी हुई है, इससे बहुत बढ़िया रहा है। पहले हमारा गेट खुला रहता था, कोई गार्ड हो ना हो, एक आदमी या दो आदमी ड्यूटी करते हैं, तो इस वजह से हम चाहते थे जो हमारे बैरियर लगे, हमारी सेफ्टी हो, चोरी यहाँ कम हो। किसी पार्टी ने मतलब कि ऐसा काम नहीं किया है जो आम आदमी पार्टी कर रही है, दिल्ली में बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, यानी कि कोई आज तक बीजेपी या कांग्रेस ने आज तक ऐसा मतलब कोई काम नहीं किया है जो अभी इस समय सीएम जो दिल्ली के हैं केजरीवाल जी, उन्होंने किया है। बच्चे वोट बैंक नहीं होते हैं पर देश का भविष्य होते हैं। शकूर बस्ती विधानसभा में बदले हुए सरकारी स्कूलों के साथ साथ पार्कों में भी बच्चों के लिए प्ले स्टेशन लगाए गए हैं। यह अनेक तरीके के झूले MLA लैड फंड द्वारा लगाए गए हैं। कहते हैं बचपन हमेशा यादों में जिंदा रहता है, खुशहाल बच्चे अच्छे इंसान के साथ साथ अच्छे नागरिक भी बनेंगे। हमें रोड पर जाना पड़ता था, बच्चे अपने आप अकेले भी आ सकते हैं, कोई डर की बात नहीं रही। झूले आ गए हैं, अच्छा पार्क बन गया, बच्चे खुश हैं हमारे, हमें भी ये है कि बच्चे दूर ना जाके अपने नज़दीक ही खेलते आँखों के सामने रहते हैं। हमारे लिए बेंच लग गए हैं, हम आराम से बुजुर्ग बंदा बैठ सकता है। बच्चों के लिए झूले लगाए गए हैं और बच्चे मुझे लगता है वोट नहीं डाल सकते, मुझे लगता है बच्चों की खुशी के लिए हैं, और जब बच्चे खुश होंगे तो उनके माँ बाप ऑफिशियली खुश होंगे। और कॉलोनी में जब से झूले लगे हैं तो मेरे देखने में आया है कि यहाँ पे ये पार्क वीरान पड़ा रहता था, आज क्या होता है जब झूले लगे हैं तो बच्चे तो आते ही हैं, साथ ही उनके पेरेंट्स भी आते हैं, और वो गली के कुछ लोग हैं जो शायद काफ़ी टाइम से नहीं मिले आपस में, वो लोग भी मिल के बैठ के आपस में बातचीत करते हैं। हमें पहले बाहर जाना पड़ता था बच्चों को दूर दूर लेकर, अब यहाँ पर हम अपनी फैमिली के साथ आते हैं, अपने बच्चों को झुलाते हैं, हमारे बच्चे बहुत खुश हैं, बहुत कुछ किया है हमारे लिए सर ने। हम 69 से आए हुए हैं, जो काम कभी नहीं हुए, जो केजरीवाल की पार्टी में जो काम जितने काम हुए हैं और बढ़िया हुए हैं और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से अच्छे काम हुए हैं, बिजली का, पानी का, सीनियर सिटीजन को घुमाने के लिए कच्ची कॉलोनियों में भी रोड, बिजली, पानी, पक्की में भी सारा कुछ, सड़कें, गलियाँ, काम बहुत अच्छे हुए। झूले लगा दिए बच्चों के लिए, हमारे सारे कॉलोनी के बच्चे यहाँ पे रात को 10 बजे तक झूला झूलते हैं। बच्चों के लिए खेलने की जगह नहीं होती थी यहाँ कोई भी, बच्चों के लिए जगह बन गई है, बच्चे बाहर नहीं जाते, अब यहीं झूलते आके, वो अच्छा बहुत बढ़िया हो गया। क्या यहाँ पर झूले लगे रोज आते हैं अपने फैमिली के साथ, इसलिए हमको मजा आता है। बहुत अच्छा किया आम आदमी पार्टी ने, पहले यहाँ पे बच्चों के लिए कुछ नहीं था खेलने के लिए, काफी बच्चे एंजॉय कर रहे हैं। बहुत अच्छा काम है कि बच्चों का एंजॉय का हो गया साधन, नहीं तो कुछ भी नहीं था यहाँ पे बच्चों के एंजॉय का, छोटे बच्चों का खासकर, तो ये अच्छा काम कर रही है आम आदमी पार्टी। कई सालों से उम्मीद कर रहे थे कोई भी
एमएलए कोई विधायक कोई काउंसलर काम करके राजी नहीं था। ये तो बच्चों के लिए बहुत अच्छा है। आप पार्टी वालों ने हर तरह की सुविधा दी जा रही है हमारी कॉलोनी में। केजरीवाल बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, कैमरे लग गए, बिजली फ्री, पानी फ्री, सब कुछ फ्री। बहुत मैं कह रही हूँ बहुत हमारे लिए तो देवता आ रहे हैं। मुझे लगता है कि अभी झूले से स्टार्टिंग हुई है, बच्चे आने लगे हैं, उनके पेरेंट्स आने लगे हैं, अब आगे ये पार्क भी मेंटेन होगा और अच्छा रहेगा। जो भी केजरीवाल जी का धन्यवाद, सत्येंद्र जैन जी का धन्यवाद। हमारे ना झूला लग गया आपका। हाँ। कैसा लग रहा है वो आपको? अच्छा लग रहा है। मैं सुरेंद्र बंसल जी का बेटा हूँ। सभी दिनों की तरह सुबह पापा कबूतरों को दाना डालने जाते हैं, उस दिन भी गए थे, पर कुछ समय बाद हमारे पास फ़ोन कॉल आई कि पापा हमारे अस्पताल में दाखिल किए गए हैं। तो वहाँ पर जाने के बाद पता चला कि पापा का एक्सीडेंट हुआ है, बहुत ही मेजर एक्सीडेंट था। कार से मेरा एक्सीडेंट हो गया था, मेरा सिर फट गया था, जिससे बेहोश होकर गिर गया था और मेरी ब्लीडिंग काफ़ी हुई थी। मुझे कोई लेडीज उठा के ले गई थी हॉस्पिटल। कंडीशन बिल्कुल जान पर बनी हुई थी, इस तरीके की कंडीशन थी क्योंकि ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रही थी, सर पे कट गहरा था। हम सब घबराए हुए थे पर हॉस्पिटल वालों ने टेक केयर की तो ठीक हुआ सब। जब हम अस्पताल पहुँचे तो मेरे पापा अस्पताल में दाखिल कर लिए गए थे, पर जैसे ही पहुँचे तो उन्होंने डिपॉजिट के लिए बोला, हमने 10,000 रुपये डिपॉजिट कराए। उसके डिपॉजिट के बाद मेरे एक अंकल आए, उन्होंने मुझे गाइड करा कि दिल्ली सरकार की एक पॉलिसी है जिसके तहत जितने भी एक्सीडेंट विक्टिम्स हैं उनका इलाज फ्री होता है। लगभग 10 से 12 दिन मेरे पिताजी अस्पताल में रहे और उसके बाद हमें लगा कि काफ़ी खर्चा हो जाएगा, पर दिल्ली सरकार की हमें काफ़ी सहायता मिली। डॉक्टर्स ने हमें बिल्कुल भी एहसास नहीं होने दिया कितना खर्चा लगा कितना नहीं, जो ये इलाज हो सकता था बेहतर से बेहतर वो किया उन्होंने। भगवान ना करे ऐसा एक्सीडेंट किसी के भी साथ हो। जो लोग एक्सीडेंट होने पे पीड़ित को अस्पताल पहुंचाते हैं ऐसे लोग फरिश्ते होते हैं। कल अगर आपके सामने कोई एक्सीडेंट हो उसे नज़दीक के अस्पताल में ले जाना, चाहे वो कितना ही महंगा अस्पताल क्यों ना हो, पैसे की चिंता मत करना। उसके इलाज का सारा खर्च हम उठाएंगे, दिल्ली सरकार उठाएगी। हमें हर कीमत पे हर जान बचानी है और आपसे कोई पूछताछ नहीं की जाएगी। आप भी किसी के लिए फरिश्ता बनना। जो इस सरकार ने किया है आज तक किसी भी सरकार ने ये कदम नहीं उठाया, सबसे बढ़िया बात तो यही है। धन्यवाद करते हैं दिल्ली सरकार का कि हमारी उम्र 70 के करीब है, 70 से ऊपर है, आज तक हमने देखा नहीं कोई ऐसी गवर्नमेंट हो जिसने कि बुजुर्गों के लिए कुछ सोचा हो। ऐसा लगता है कि हमारे कॉलेज के दिन जैसे वापस आ गए, वहाँ पर हम बड़े बड़े ग्रुप जैसे सैर के लिए हमने घूमने जाया करते थे और देर देर तक हंसना, गाना, खेलना, नाचना, वो एक्सपीरियंस हमें जो कॉलेज में था वो अब दोबारा अब फील हो रहा है। इस यात्रा में मुझे ऐसे ऐसे लोग मिले मैंने कभी सोचा भी नहीं था, इतने प्यारे, इतना अच्छा हमारा ग्रुप है जिन्होंने मेरी बहुत मदद की। नमस्कार, दिल्ली के अंदर मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना स्टार्ट की गई है। जो भी हमारे बुजुर्ग हैं जिनकी आयु 60 साल या उससे ज़्यादा है उन सभी के लिए यह स्कीम लागू है। इस यात्रा का जो प्रोग्राम बनाया गया है काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे सभी यात्रियों की अच्छी सुरक्षा का भी है और खाने पीने का सबका अच्छा इंतजाम है और देखभाल भी अच्छी तरह से की जा रही है। बहुत बढ़िया काम कर रहे हो, बुड्ढा बुजुर्ग आदमी का तीर्थ यात्रा पे ले जा रहे हो, जैसे अपना माँ बाप को ले जाता जैसे पूरी पब्लिक को ले जा रहे हो, अच्छा काम कर रहे हो। ट्रेन का खुद का ही अरेंजमेंट बहुत अच्छा है, बिल्कुल राजधानी एक्सप्रेस की तरह इसमें सुविधाएं दी जा रही है। ऐसे नहीं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस यात्रा कर रहे हैं
कि जिन्होंने पहली बार ट्रेन देखी है, जब बात करते हैं वो पहली बार बोलते हैं, फोन पे जब बताते हैं अपने घर वालों को कि हमें पूरी सीट मिली है, पूरी सीट मिली है, बिस्तरा मिला, ये मिला, जाहिर सी बात है कि जब भी उन्होंने रेल में सफर किया है या तो टॉयलेट के अंदर बैठ के उनको जगह गुजारनी पड़ी है या किसी को रिश्वत दे करके, लेकिन ये पहली बार ऐसी सुविधा, पहली सुविधा ऐसी बार है कि उनको ये मिला, उनके दिल से जो उद्गार निकलते हैं वो कमाल के हैं। इसी तरह से बहुत सारे ऐसे भी साथियों से हमने बात की जिन्होंने हजारों बार एसी में सफर किया हो, लेकिन उनका भी ये कहना है कि हम लोग ऐसा आनंद कहीं नहीं आया, और ये आनंद सर आपकी वजह से। पहली बार ऐसा प्रयास हुआ है के मंत्री भी हमारे साथ उसी ट्रेन में, उसी डब्बे में, एक ही साथ हम सब लोगों ने सफर किया। आप सबकी यात्रा मंगलमय रही, उसके लिए मैं आप लोगों का बहुत बहुत आभारी हूँ। और मैं साथ ही साथ ये भी कहना चाहता हूँ कि आपकी वजह से मुझे भी दर्शन करने का मौका मिला, मैं भी तिरुपति जा पाया। आप लोग जा रहे थे तो इसलिए मैं भी साथ गया, और उसके लिए मैं आप सभी बुजुर्गों का बहुत बहुत आभारी हूँ कि मुझे दर्शन करने का मौका मिला। लाइट दिखाई जाए, दिल्ली को हम लाइट हाउस बनाना चाहते हैं ताकि
पूरे देश के राज्य इस तरफ देखे और वैसा बने कि दिल्ली एक लाइट ऑफ इंडिया। मैं आपको ये 5 मिनट में 5 नाम बताता हूं, 5 नाम ऐसे जो दुनिया में नंबर 1 पे हैं, हिंदुस्तान में नहीं। पहला काम मोहल्ला क्लिनिक, 400 मोहल्ला क्लिनिक चल रहे हैं, सरस्वती विहार की ग्रुप में चालू हो गया, अभी चले जाए हमारे विधानसभा में 9 चल रहे हैं, अभी भी 9 मोहल्ला क्लिनिक आर रनिंग। पूरी दिल्ली में 400 मोहल्ला क्लिनिक चल रहे हैं, यानी प्राइमरी हेल्थ सेंटर। पूरी दुनिया में अमेरिका के किसी शहर में ले लो, लंदन, पेरिस, न्यूयॉर्क, वाशिंगटन, कहीं ले लो, किसी भी देश में, किसी भी सरकार में, किसी भी शहर के अंदर 5 साल के अंदर इतने ज्यादा प्राइमरी हेल्थ सेंटर नहीं बनाए जितने दिल्ली सरकार ने बना दिए, दुनिया में बता रहा हूं, हिंदुस्तान की बात। दूसरा काम, 2,80,000 सीसीटीवी कैमरे लगा रहे हैं। दुनिया के किसी भी शहर में, किसी भी सरकार में, किसी भी देश में एक शहर के अंदर इतने सीसीटीवी कैमरे नहीं लगाए जितने दिल्ली सरकार लगाए। नंबर 1 है, नेट सर्च कर लेना। तीसरा काम, दिल्ली के अंदर 26 हॉस्पिटल में हमने काम स्टार्ट किया है, 26 हॉस्पिटल, महावीर हॉस्पिटल भी है, महावीर हॉस्पिटल 200 बेड का है, तो 700 बेड में कन्वर्ट कर रहे हैं, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बना रहे हैं। 26 हॉस्पिटल के अंदर 8 हॉस्पिटल बिल्कुल नए हैं, सिरसपुर के अंदर आज स्टार्ट हुआ 1164 बेड का, मादीपुर में, नांगरोही में, सरिता विहार में, विकासपुरी में, बुराड़ी में, अंबेडकर नगर में, द्वारका में, ये 8 नए अस्पताल बन रहे हैं जिसके अंदर लगभग 8,000 बेड है। टोटल 26 अस्पतालों में काम चल रहा है, 15,154 बेड्स नए बना रहे हैं। दुनिया के अंदर किसी भी सरकार ने सरकारी हॉस्पिटल का इतना बड़ा एक्सपेंशन प्रोग्राम नहीं चलाया जितना दिल्ली सरकार चला। और सारे अस्पताल जो बना रहे हैं, ईच एंड एवरी हॉस्पिटल विल बी एयर कंडीशन, A1 हॉस्पिटल बना के दिखाएंगे आपको। हमारा टारगेट क्या है सर जी, सामने बैठे, अगर घटिया बना दिया तो जाएगा नहीं, फिर घटिया स्कूल बनाएंगे तो भी नहीं जाएगा कोई। सर ऐसे अस्पताल बना के दिखाएंगे जब जरूरत पड़ेगी ना आपको प्राइवेट में जाना पड़ेगा, प्राइवेट से अच्छे बना के दिखाएंगे। 4 काम बता दिए, पहला मोहल्ला क्लिनिक, दूसरा सीसीटीवी कैमरा, तीसरा अस्पताल, चौथा 21,000 क्लासरूम बनाए। सर जी दुनिया में नंबर 1 है, किसी सरकार ने एक शहर में 5 साल में नहीं बनाए, हिंदुस्तान के अंदर 28 राज्य और हैं, सबने मिलकर नहीं बनाए, सारे राज्य एक तरफ। और 5वां काम, फरिश्ते स्कीम, फरिश्ते स्कीम। अगर एक्सीडेंट हो जाता है सर दिल्ली से बाहर जाओगे ना, एक्सीडेंट होते तो भगवान ही मालिक है, हिंदुस्तान से बाहर जाते हो इंश्योरेंस लेके जानी पड़ेगी, वरना नहीं, ध्यान रखना। हिंदुस्तान सरकार में, दिल्ली के अंदर दिल्ली सरकार ने ऐसा काम करके दिखाया है जो फरिश्ते स्कीम बनाए। तो 5 काम दुनिया में नंबर 1 पे है जिसकी वजह से देश के, देश का नाम दुनिया में रोशन हो रहा है। तो दुनिया की 5 चीजें बता रहा हूं नंबर 1 पे, अब 5 चीजें और बता दो जो करेंगे। पहला काम, दिल्ली सड़ी पड़ी है, कूड़े के पहाड़ देखे होंगे आपने। एक बारी क्या हुआ, चंडीगढ़ से एक परिवार आ रहा था, शाम रात का टाइम था, सो गए, सुबह सुबह आंख खुली, देखा पहाड़ आ गए, अरे गलत जगह गया, शिमला पहुंच गया। अब उसे क्या पता दिल्ली आ गया, कूड़े का पहाड़ देख रहा है, शिमला का पहाड़ नहीं है। सर जी दिल्ली को साफ करेंगे, पहला काम चमकाएंगे। दूसरा, दिल्ली में ट्रैफिक की बहुत बुरी हालत है, सड़कों की बुरी हालत है, सड़क पहले 3 लेन होती है, फिर 4 हो जाती है, फिर 2 हो जाती है, चौराहे के ऊपर पता ही नहीं लगता क्या हो रहा है। हमने कंसल्टेंट बिठा दिया है, इसकी स्टडी चल रही है, पूरी दिल्ली की सड़कों को, नेटवर्क को ठीक करेंगे, बसों के सिस्टम को ठीक करेंगे, ट्रांसपोर्ट सिस्टम को ठीक करेंगे, दिल्ली की ट्रांसपोर्ट को, सड़कों को ठीक करेंगे। दूसरा काम, तीसरा काम, दिल्ली का पॉल्यूशन कम करेंगे। सर जी 25% कम भी कर दिया है, और कैसे किया ये बता देता हूं। दिल्ली में 6-7 लाख जनरेटर चला करते थे, याद है किसी को, रानी बाग जाते होंगे पहले, किस रंग के जनरेटर होते थे अंकल जी, हीरो होंडा के नाम भी पता है
यामा बिरला यामा अंकल जी को सारा पता है। और रंग क्या था उनका? रेड कलर के, लाल रंग के थे। देखो इधर आवाज आ गई लाल रंग के। सारे में जनरेटर, जो हर दुकान के आगे जनरेटर होते थे और आदमी क्या करता, मुंह पे रुमाल रख के धुएं में याद होता था। और जनरेटर क्या करते थे? गुर 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 आगे पुर पुर सब आगे। सर जी 25% पॉल्यूशन कर लिया दिल्ली का, और पॉल्यूशन कम करेंगे। कबाड़ी क्यों लेगा, बेकार हो गए। एक अंकल जी के यहाँ गया, कहते तूने मेरा बड़ा नुकसान कर दिया। मैंने क्या हुआ कि छत पे जनरेटर रखा है, जंग लग गया उसको, तो मैंने बेच दो। कहते ऐसा है, अब की बार जीता पक्का बेच दूंगा। मैंने क्या मतलब? कहते यार तू ना जीता ना तो दोबारा जरूरत पड़ेगी उसमें तेल डलवाना पड़ेगा। ध्यान रखना जी, उनका जनरेटर बिकवाना इस बारी। गलत नहीं है। तो आपको मैंने बता दिया तीन काम। चौथा काम, पहला काम क्या था? दिल्ली की सफाई करेंगे, चमकाएंगे। दूसरा, दिल्ली के सड़कों का ट्रांसपोर्ट सिस्टम ठीक करेंगे। तीसरा, पॉल्यूशन कम करेंगे। चौथा काम, 24 घंटे बिजली आती है, इन्वर्टर की जरूरत नहीं पड़ती, जनरेटर की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे 24 घंटे बिजली आती है, 24 घंटे पानी आएगा। और छठी मंजिल तक आएगा, बिना मोटर के आएगा। ऊपर की टंकी, नीचे की टंकी और बीच की मोटर सब गायब कर दूंगा। क्या क्या गायब करेंगे? छत की टंकी, जमीन की टंकी और बीच की मोटर, ये गायब कर देंगे। और भाई साहब जो ये लगा रखे ना आरो, कब लगाया था ये बता देना बस। भाई साहब कब लगाया था? 20 साल तो हो गए हमारी सरकार से पहले लगा था। पहले का लगा, उसको भी गायब करेंगे। बहुत बढ़िया सर। आरओ को भी गायब करें, जो सिंगापुर में पानी पीता ना ऐसे कोक लगा के पी लेना, कहीं से पी लेना, इस बात की गारंटी लेंगे आप। सर जी पहला उसके अंदर बता देता हूँ क्या है। पहले पानी की कमी थी हमारे पास, अभी हमने पानी खरीद लिया। आपने पानी कहाँ से खरीद लिया? वैसे इतना तो अकल है ना हमारे पास, चुपचाप कर लिया काम। हिमाचल प्रदेश से खरीदा है और 40 साल का एग्रीमेंट कर लिया, और एग्रीमेंट होने के बाद अखबार में निकाला, उससे पहले नहीं बताया किसी को हमने क्या कर रहे हैं। पहली सरकारों के पास पैसा ही नहीं था खरीदने का, क्यों नहीं था? खा पी जाते थे। अरे जनता के लिए जरूरत, सबसे जरूरी क्या? पानी खरीद लो, क्या दिक्कत है? हिमाचल के पास पैसा नहीं, उनके पास पानी है। हमारे पास पानी नहीं है, हमारे पास पैसा है, हमने पानी खरीद लिया। अब पानी खरीद लिया तो अब 24 घंटे देने के लिए पानी है हमारे पास। अब 24 घंटे जैसे कि आपके लंदन में, पेरिस में, वियना में और ब्रिस्बेन में, सिडनी के अंदर, न्यूयॉर्क, वॉशिंगटन, 24 घंटे पानी आता है सब जगह। ऐसे ही 24 घंटे पानी आपके यहां आएगा। और पांचवा काम, यमुना नदी जिसकी हम पूजा करते हैं, क्या बना दिया उसको हमने? जोर से नाला नहीं, गंदा नाला। जिसकी हम पूजा करते हैं उसको हमने गंदा नाला बना दिया। सर जी यमुना नदी को साफ करेंगे और सारे नाले साफ करेंगे दिल्ली के। कोई काम गलत तो नहीं करने जा रहे? ठीक करने। प्राइवेट स्कूल और बंद कर दो। नहीं, सरकारी इतने अच्छे कर देंगे, प्राइवेट वाले रोएंगे। अपने आप ही दुकान बंद हो जाएगी। अंकल जी सरकारी इतने अच्छे कर दूंगा, उनसे अच्छे बना दूंगा। देखो काम को 50 और करेंगे, और जो 50 चल रहे हैं उनको भी करेंगे। 5 इसलिए बता रहा हूं, दिल्ली को जो देश की राजधानी है, दुनिया की किसी भी राजधानी से मैच कर लेना, उससे कम नहीं होगी। पहले लोगों को लगता था यार देखो लंदन में 24 घंटे बिजली आती है, न्यूयॉर्क में 24 घंटे बिजली आती है, वॉशिंगटन में 24 घंटे बिजली आती है, पेरिस में 24 घंटे बिजली आती है, दिल्ली में नहीं आती। अब आने लगी ना, ये सारे काम करके दिखाएं। और ये चीज ध्यान रखना, अकेली पार्टी है जो कहती है उस पर पूरी जान लगा देती है। अगर एक सीसीटीवी कैमरे लगवाने के लिए 10 दिन का अनशन कर सकता हूं ना, अगर अपनी जान जोखिम सिर्फ सीसीटीवी कैमरे के लिए लगा सकते हैं ना, इन कामों यमुना नदी को साफ करने के लिए 1000 जाने लगा सकते हैं पीछे।